नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः ट्रैवलर अवि ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों की कोशिश होती है कि जो भी भारत में यत्र तत्र इतिहास बिखरा पड़ा है, उस प्राचीन इतिहास से, उन स्मारकों से, उन स्मृतियों से अंततः भारत के समृद्ध इतिहास से कहीं ना कहीं हम आपको रूबरू कराने का जो प्रयास करते हैं, उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं झांसी के किले में। रानी लक्ष्मीबाई जो एक महान वीरांगना थी और 1857 की क्रांति की नायिका भी थी, आप भलीभांति उनसे परिचित हैं, तो आज हम उन्हीं के किले में आए हुए हैं, यानी झांसी का किला। यदि आपको भी ऐतिहासिक स्मारक और किले देखने का शौक है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम लोग टिकट खिड़की से टिकट लेकर के और झांसी किले के अंदर आ चुके हैं। ये सामने टिकट खिड़की, आप चाहे तो ऑनलाइन भी यहाँ का प्रवेश टिकट ले सकते हैं। ये देखिए झांसी दुर्ग का जो इतिहास है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता, आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से वीर सिंह जूदेव जी ने जब इस किले को तामीर किया होगा तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कई सौ साल बाद लाखों लोग इस किले को देखने के लिए यहाँ आएंगे। और यह 1857 की क्रांति का गवाह बनेगा। ये कड़क बिजली तोप यही पास में स्थापित है। ये देखिए तोप में गोला फंसा हुआ है एक। अगर आपने कभी तक कोई पुरानी तोप देखी हो तो आप देखिएगा कि ये पहली तोप है जिसमें गोला आगे इसमें लगा हुआ है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनकी तोप भी अपने आप में खास थी। और ये कड़क बिजली तोप तो आप समझ ही सकते हैं, ये बाल गंगाधर राव के समय में बनी थी। यहां से धीरे धीरे हम किले के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहे हैं। इस कड़क बिजली तोप से एक इतिहास और जुड़ा हुआ है, गुलाम गौस खां का। ये ब्रिटिश कालीन तोपें हैं। ये कड़क बिजली तोप जिसकी हम बात कर रहे थे, गुलाम गौस खां जो रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में लड़ते हुए मारे गए थे, इसी किले के अंदर उनकी कब्र भी है, समाधि भी है।
इसी तोप की मदद से महारानी ने अंग्रेजों को 2 सप्ताह तक किले के अंदर नहीं आने दिया था और उनकी हालत पतली कर दी थी। ये इंडियन आर्किटेक्चर पहले यहाँ पर लकड़ी का दरवाजा होता था जो बाद में लोहे के दरवाजे में बदल दिया गया है। सोलह सौ 13 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव जी ने किया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ पर राज्य किया। उसके बाद इस दुर्ग पर मुगलों ने, मराठों ने और फिर अंततः अंग्रेजों ने अधिकार किया। मराठा शासक नारू शंकर ने 1729 से 30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए जिससे यह कुछ समय के लिए शंकरगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। 1938 में यह किला केंद्रीय संरक्षण में लिया गया। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज हैं और 2 तरफ रक्षा खाई है। नगर की दीवार में 10 द्वार थे पहले और 6 विस्तृत खिड़कियां भी थीं। किले के अंदर हम धीरे धीरे बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, रानी के निमित्त पूजा स्थल, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, इन सभी को देखेंगे। इसमें एक निर्माण और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे फांसी घर कहा जाता है। राजा गंगाधर जी के समय में फांसी घर का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ था। ये यहाँ पर समाधियाँ हैं। मोहम्मद गौस जो कड़क बिजली तोप को संचालित करने वाले तोपची थे। हम लोग बात कर रहे थे फांसी घर की। फांसी घर जो था वो राजा गंगाधर के समय में ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता कि राजा गंगाधर राव काफ़ी क्रूर थे लेकिन और महारानी बहुत ही सरल और सहज और दयालु। तब जब राजा गंगाधर राव का विवाह है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गया तो महारानी ने फांसी घर का उपयोग बंद करवा दिया था। यह कुछ निर्माण अंग्रेजों के समय के हैं और यह सामने पंचमहल। इस किले की सबसे मुख्य संरचना संभवतः यही है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, दासियों के रहने की व्यवस्था, सभी कुछ की गई है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग का एक छोटा सा ऑफिस भी है। झांसी नगर के 10 द्वार थे, ओरछा गेट, लक्ष्मी गेट, भंडेरी गेट, दतिया गेट, बड़ा गांव गेट, उन्नाव गेट, खंडेराव गेट, सैयर गेट, चांद गेट और सागर गेट। हम लोग पंचमहल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं।
ये देखिए कितना प्राचीन निर्माण है। सन 1613 में बने इस किले में निर्मित पंचमहल का बहुत विशेष स्थान है। इसे मौज महल भी कहा जाता था। 5 मंजिला इस महल में आकर्षक नक्काशी है। हम सीढ़ियों के द्वारा देखे नीचे के ग्राउंड फ्लोर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ चमगादड़ की बहुत ज़्यादा महक आ रही है। साफ सफाई की गई लेकिन फिर भी चमगादड़ की महक बहुत ज़्यादा है। इस पंचमहल का उपयोग राजा बुंदेलाओं से लेकर के मराठा और अंग्रेजों ने भी किया है। इस पंचमहल में प्राचीन मूर्तिकला और 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की झलक एक साथ देखने को मिलती है। ये पंचमहल से बाहर का दृश्य, हालांकि ये जो पंचमहल को कई लोग भूल भुलैया भी कहते हैं कि इसमें लोग भूल जाते थे रास्ते, ये देखिए फिर एक सीढ़ी के माध्यम से हम लोग ये राज दरबार बहुत ही सुंदर स्थापत्य, भारतीय स्थापत्य कला है। क्योंकि इसका कई कालखंडों में निर्माण हुआ है तो इसमें कहीं कहीं ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी है। पंचमहल का ये अद्भुत नज़ारा, यहाँ कभी महाराजाओं की महफिलें लगा करती थी। प्रजा के लोगों से भी इसी महल के वाह जो दीवाने खास और दीवाने आम महल बनाए गए हैं वहाँ पे मुलाकातें होती थी। राजे महाराजे अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे। इस विरासत को बचाने का जो प्रयास भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है और कहीं ना कहीं उन्हीं की ये मेहनत है कि आज हम यहाँ पर इतने साफ सुथरे माहौल में इस महल का दीदार कर पा रहे हैं। हालांकि अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तुलना में राजस्थान की जो भी ऐतिहासिक विरासतें हैं उनका संरक्षण बहुत भली भांति किया गया है। यह जब गर्मियां बढ़ जाती थीं तो महारानी का आराम कक्ष हुआ करता था, महारानी लक्ष्मीबाई का। इसे उस समय का
गर्मी का कमरा बोला जा सकता है। हम लोग बात कर रहे थे ओरछा गेट की। ओरछा गेट सुल्ताना मस्जिद के नज़दीक में झांसी में एक द्वार है। 1858 को ह्यू रोज, जो अंग्रेज जनरल थे, अपनी विशाल सेना लेकर के झांसी राज्य की सीमा पर आकर के खड़े हो गए। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने सभी विश्वास पात्र सेवकों को झांसी नगर के 10 द्वार की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। उस समय ओरछा द्वार की जिम्मेदारी राव दुलहाजू पर थी। राव दुलहाजू ने कुछ धन के लिए महारानी लक्ष्मीबाई तथा मातृभूमि से गद्दारी की और ओरछा द्वार खोल दिया। उस समय हुरोज अपनी विशाल सेना के साथ झांसी नगर में दाखिल हुआ। अगले युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़कर जाना पड़ा। ये झांसी के किले की बुर्ज से झांसी नगर का अवलोकन कर सकते हो आप। सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों के साथ बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सच में ऐतिहासिक विरासतें और अपने पुरानी संस्कृति, सभ्यता, अतीत के गौरव, इन सभी चीज़ों के लिए ऐसी जगहों पे जाया जा सकता है और वहाँ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। हम लोग जब झांसी किले को देखने के लिए निकले तो हमारे मन में एक सवाल था कि महारानी लक्ष्मीबाई यहीं रहती थी, यहीं उन्होंने युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। अगर आप सभी को जानकारी होगी ही, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका नाम की एक फिल्म भी बनी है जिसमें मुख्य अभिनेत्री का रोल कंगना रनौत जी ने निभाया था। ये पुराने किले के अवशेष, हालांकि 1857 की क्रांति में किले का बहुत भाग नष्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, तो बहुत थोड़ा पार्ट बचा हुआ है। हालांकि ये पहले राजाओं के निवास के लिए महल नहीं बना था, यहाँ हाथी रहते थे, हाथियों को रखा जाता था। ये किले की खिड़कियाँ जहाँ से सुरक्षा प्रदान की जाती थी, ये तोप रखने के लिए तोप के स्टैंड बने हुए हैं, यहाँ से तोपों के द्वारा किले की रक्षा की जाती थी, कुछ छिद्रों से बंदूकों के लिए हैं। जिस जिस समय में जो जो विधा रही होगी उसके अनुरूप इन किलों में रक्षा सुरक्षा स्थापित करने का काम सैनिक करते थे। कभी तीर कमान रहे होंगे तो कभी बंदूक, तो समय के साथ चीज़ें बदलती रहीं। हालांकि बंदूक का आविष्कार
लगभग 11वीं शताब्दी का है, लेकिन परिष्कृत रूप में बंदूक 18वीं-19वीं शताब्दी में ही आ पाई। हम लोग बात कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें शादी के बाद में लक्ष्मीबाई का नाम मिला था। उसके बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, मनु भी था। चूंकि राव गंगाधर राव जो राजा थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। एक संतान हुई तो वो बहुत अल्पकाल में उनकी मृत्यु हो गई। तब रानी लक्ष्मीबाई जी ने और बाल गंगाधर राव जी ने एक बच्चे को गोद लिया था। ब्रिटिश राज्य ने अपनी राज्य नीति के तहत, जो कि उनकी हड़प नीति थी, बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के राजमहल में जाना पड़ा। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। यह एक बुर्ज और एक छोटा सा कमरा, जहां से पूरी झांसी के उस समय यहीं पर बैठे बैठे कैमरे की भी जरूरत नहीं थी, हालचाल पता चल जाती थी। देखिए कितना ऊंचाई में यह किला बना हुआ है और बुर्ज से किले की सुंदरता कितनी मनोरम दिख रही है। हालांकि ये सब महल बहुत पुराने हो गए हैं और यहाँ पर सेनाएं मुख्यतः रहती थी, इन सभी जो बंकर टाइप के कमरे बने हुए हैं, लेकिन अब इनमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 1857 के संग्राम का जो एक प्रमुख केंद्र झांसी बना कैसे, ये हिंसा भड़की कैसे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था और एक स्वयंसेवक सेना का भी गठन किया था उन्होंने। यह हम लोग फांसी घर की ओर आ गए हैं। यहां लाइट एंड साउंड शो भी होता है। यहीं से ये जो ऊंचा गेट दिख रहा है, यही फांसी घर हुआ करता था। यहाँ पर एकल और समूह है, दोनों प्रकार से फांसी राव गंगाधर के समय में दी जाती थी। हालांकि महारानी लक्ष्मीबाई को इतनी क्रूरता पसंद नहीं थी, तो उन्होंने महाराजा से कहकर कि यहाँ पर फांसी देना बंद करवा दिया और फिर यहाँ फांसी नहीं दी गई। इसे ही फांसी घर कहा जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि महारानी ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई, उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, को उन्होंने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा
तथा दतिया के राजाओं ने भी झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने इसे सफलतापूर्वक विफल कर दिया। 1858 के जनवरी में ब्रिटिश सेना ने किले की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और फिर शहर पर पहले कब्जा किया। तब रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर निकलने में सफल हो गई और वह वहां से सीधे कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इसके बीच में वह लोहागढ़ में विश्राम की, जो कि समथर स्टेट के पास में एक छोटी सी स्टेट थी, एक छोटा सा किला था। वहां समथर के राजा द्वारा उन्हें एक घोड़ा नया दिया गया था क्योंकि उनका घोड़ा चोटिल था, थका था, और फिर वो कालपी पहुंची। तात्या टोपे और रानी के संयुक्त सेनाओ ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हो गए। अली बहादुर द्वितीय बांदा के नवाब थे जो बाजीराव मस्तानी यानी मस्तानी के पीढ़ी से थे। बाजीराव मस्तानी वह फिल्म है जिस पर एक बाजीराव मस्तानी पर एक फिल्म भी बनी है। भूरागढ़ का किले का नाम आपने सुना होगा, ये बाजी राव मस्तानी के ही पीढ़ियों का शासन था यहाँ पर। 18 जून 1558 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटानी जनरल हीरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही सेनाओं में अब तक की सबसे खतरनाक महान योद्धा थी। कहते भी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, जैसा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो ऐसी महान थी हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके किले के, झांसी के हर किले के एक एक पहलू को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम धीरे धीरे गंगाधर राव के छोटे भाई की बारादरी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं गंगाधर राव जी को जहाँ नाटक के मंचन का बड़ा शौक था और उसी में बिजी रहते थे, उनके छोटे भाई को मुजरा और नृत्य में बड़ा शौक था, जो अपनी बारादरी में बैठ करके नृत्य का आनंद लिया करते थे। यह है झांसी का मुख्य गेट की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बारादरी में जाएंगे, उसके बाद में मुख्य गेट की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत प्राचीन गेट है। देखिए कितनी सुरक्षा चाक चौबंद हुआ करती थी इन सभी बुर्जों में, सैनिक रहा करते थे और सुरक्षा देते थे। हालांकि अब लोहे के गेट लगा दिए गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में लोहे के जगह लकड़ी के गेट जैसे कि ऊपर निशान अभी बने हुए हैं। गणेश मंदिर
मराठों के समय का है ये। इस किले में मराठे, अंग्रेज, मुगल सभी ने शासन किया है। अब इस समय यह भारत सरकार के अंतर्गत आता है, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय। ये प्राचीन पानी की व्यवस्था, कैसे पानी बाहर निकलता था किले का। देखिए उस समय की लकड़ी का बना हुआ यह गेट द्वार, बड़ी प्राचीन लकड़ी है लेकिन वैसे ही मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि इस बारादरी में उस समय बड़ी अच्छे अच्छे मुजरे और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। राजा लोग जनता से भी मुखातिब होते थे। संभवतः टैक्स कलेक्शन भी यहीं पर हुआ करता होगा, क्योंकि बारह दरियों में ही प्राचीन काल में टैक्स कलेक्शन होता रहा है। यह है उस समय का प्राचीन गेट। ये देखिए इस प्रकार बंद करने वाले आज भी बने हुए हैं उसमें लोहे के, जिनकी मदद से गेट को रोका जाता था। आज पर्यटक बहुत कम मात्रा में है तो इसलिए सन्नाटा सा प्रतीत हो रहा है। यह है मुख्य द्वार। ये 400-500 साल पुरानी लकड़ी है लेकिन देखिए कितनी मजबूती से खड़ी है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने काफी सुरक्षा और साफ सफाई की, लेकिन यहाँ पर एक दो गार्ड होने चाहिए क्योंकि कोई नहीं है तो थोड़ा सा भय प्रतीत हो रहा है।
अपना भारादरी का एक दृश्य। और बारादरी के बगल में ही गंगाधर राव के छोटे भाई का महल। और अब हम आ गए रानी महल। जी हाँ, झांसी के झोकन बाग के नज़दीक यह भव्य महल, हालांकि महल क्या खंडहर ही है, 18वीं शताब्दी में झांसी के राजा रघुनाथ राव नेवालकर तृतीय ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। इस महल के मुख्य रूप से हाथी खाना हुआ करता था। बाद में यहाँ महल बनाया गया। यह महल दो प्रेमियों के प्रेम की निशानी है। राजा रामचंद्र राव के समय महाराजा रघुनाथ राव नृत्य मुजरा और महाराजा गंगाधर राव नाटक में व्यस्त रहा करते थे। रामचंद्र राव को झांसी का महाराजा घोषित किया गया था, इसलिए महल में एक विशाल समारोह रखा गया था। इस समारोह मोतीबाई बेगम, गजराबाई बेगम, लच्छोबाई बेगम ने नृत्य किया। दरबार में महाराजा लच्छोबाई की सुंदरता प्रमोहित हुई और दोनों के प्यार की कहानी शुरू हुई। राजा रघुनाथ राव नेवालकर की पत्नी महारानी जानकी बाई स्वयं झांसी पर शासन करना चाहती थी, इसलिए सत्ता की लालच में उन्होंने वारिस को जन्म ही नहीं दिया। तब मुस्लिम महिला लच्छोबाई के साथ राजा रघुनाथ राव का प्रेम शुरू हुआ। हालांकि इस प्यार को राज परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया, सदैव तिरस्कार ही मिला। और रामचंद्र राव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने झांसी की गद्दी पर रघुनाथ राव को बिठाया और उन्हें फिदवी महाराजा इंग्लिस्तान की उपाधि दी। रघुनाथ राव महाराजा बनते ही लच्छोबाई को सम्मान देने के लिए हाथी खाना में एक विशाल महल बनवाया। इस महल में केवल लच्छोबाई रहती थी। लच्छोबाई के महल में प्रवेश करते ही रघुनाथ राव ने लच्छोबाई को महारानी का दर्जा देकर उनका नाम आफ्ताब बानो बेगम रखा, लेकिन वह लच्छोबाई के नाम से ही विख्यात हुई। प्रारंभ में लच्छोबाई महल या आफ्ताब महल के नाम से ही रानी महल जाना जाता था, लेकिन इस रानीवास महल में महारानी लक्ष्मीबाई भी रही थी, इसलिए यह रानी महल के नाम से बाद में जाना गया। इसमें हालांकि अनेकों कमरे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के शासन में जो रघुनाथ महल या हाथी खाना या चांद दरवाजा होता था, वहाँ पर घोड़े सवार सेना और मुस्लिम पठान सेना रहती थी। और इस रानी महल में जो आज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का निवास था और इसमें ढेर सारे कमरे बने हुए थे। हालांकि अतिक्रमण की वजह से महल की सुंदरता काफी बिखर गई है। हालांकि आप लोगों के मन में कई प्रश्न होंगे कि आखिर दामोदर राव का क्या हुआ। जब रानी अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में मारी गई तो रानी की समाधि ग्वालियर में ही बनी हुई है, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। और दामोदर राव यहां से पुणे चले गए और पुणे से बाद में उनके पूर्वज इंदौर में आज भी रहते हैं। दामोदर राव को अंग्रेजों के द्वारा शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत पेंशन भी दी गई है। इस प्रकार से आज हमने रानी लक्ष्मीबाई
और झांसी के किले के इतिहास को समझने की कोशिश की, यहाँ की अमूल्य विरासत को देखा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अपना सुझाव हमें ज़रूर बताएं। इस ब्लॉग को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।